हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एक्सेलसियर टॉक्स का पहला एपिसोड। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज एनिमेशन एंड आल्सो अबाउट इट्स हिस्ट्री। क्योंकि आप में से कुछ लोगों को एनिमेशन क्या है उसका एक क्लियर जवाब नहीं पता। सो आपको आपके कंफ्यूजन से क्लियर करने के लिए इस सीरीज का पहला एपिसोड मैं एनिमेशन के बारे में ही बनाऊंगा। सो हम पहले ये जानेंगे कि एनिमेशन क्या है और उसके बाद हम उसके हिस्ट्री के बारे में जाएंगे। सो एनिमेशन ज़्यादा कुछ नहीं, वो स्टिल जॉन फिगर्स होते हैं जिन्हें हम मैनिपुलेट करते हैं एक वीडियो बनाने में। वो जो वीडियो बनता है क्योंकि वो हैंड ड्रॉक्स होते हैं हम उसे एनिमेशन बोलते हैं। और दो पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स के बीच बहुत ही कम डिफरेंस होता है, इतना कम कि आप मतलब नॉर्मल पीपल देख के ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता सकते। एनिमेटर्स ज़रूर बता सकते हैं लेकिन हम सब नहीं। सो इतना कम डिफरेंस होता है जब वो एक सिंगल फ्रेम में रन किया जाए, वो एक सिंगल मूविंग वीडियो की तरह ही लगे। ऐसे ही एनिमेशंस बनाए जाते हैं। अब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेजरी CGI के हेल्प से बनाते हैं। सो ये काम बहुत आसान हो गया है लेकिन बहुत साल पहले मतलब 19th सेंचुरी में कंप्यूटर्स ज़्यादा नहीं थे और आप बोल सकते हैं कि नहीं थे। सो हर एक फ्रेम मतलब आप सोचिए कि अगर एक सिंगल 20 सेकंड्स का वीडियो वो लोग बनाते हैं और वो 6 फ्रेम्स में भी हो तो मतलब 120 पिक्चर्स में ड्रॉ करना पड़ता है। और 20 सेकंड्स का तो वीडियो नहीं होता, जो होता है 1 मिनट और उससे ऊपर होता है। पहले ये बहुत मतलब हार्ड काम होता था और अब भी हार्ड है लेकिन उतना नहीं क्योंकि अब हम कंप्यूटर्स की हेल्प ले सकते हैं। 19th सेंचुरी में जो एनिमेशंस बनाते थे वो ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग के लिए एनिमेशंस बनाते थे। तब स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा डिमांड था। दुनिया का सबसे पहला प्रॉपर एनिमेशन जिसने बनाया था ये अभी भी एक डिबेट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि ब्रिटिश फिल्म मेकर जेम्स स्टुअर्ट ब्लैक्टन ने पहला एनिमेशन बनाया था और उसका करेक्ट ईयर किसी को नहीं पता था। लेकिन एक हाइपोथेसिस है कि 1896 में ब्लैक्टन न्यूयॉर्क इवनिंग वर्ल्ड का एक रिपोर्ट रखता है मैगजीन का, और वो थॉमस एडिसन को इंटरव्यू करने के लिए जा रहे थे। उसके साथ एक कनेक्शन हो गया था और उसी डेट को मतलब वो असली डेट है या नहीं किसी को नहीं पता। और तब से लेकर आज तक हम सोचते हैं कि 1896 में ही ब्लैक्टन एनिमेशन डिस्कवर किए थे, मतलब डिस्कवर नहीं बनाए थे। सो अब आता है कि डेट क्यों नहीं पता और वो पहला एनिमेशन जो बनाए थे वो हम प्रॉपर एनिमेशन क्यों बोलते हैं, मतलब इसके अलावा भी क्या कोई दूसरा एनिमेशन होता है। हाँ, सबूत है कि ब्लैक्टन के पहले भी बहुत सारे एनिमेशंस हो गए थे लेकिन क्योंकि ब्लैक्टन ने उसका पहला मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन को पेटेंट किया था, उसे ही दुनिया का सबसे पहला एनिमेटर बोला जाता है। और भी बहुत सारे प्रूफ है कि 18th सेंचुरी के पहले भी एनिमेशंस हुआ करते थे, मतलब 1759 या 60 में भी एनिमेशंस हुआ करते थे, लेकिन हम उसे कंसिडरेशन में नहीं लेते क्योंकि किसी ने भी पेटेंट करने का नहीं सोचा। ब्लैक्टन पहले आदमी थे जिसने सोचा था और बाकी लोगों ने जो एनिमेशन बनाया भी थे वो प्रॉपर एनिमेशन हम नहीं कह सकते थे क्योंकि वो लोग जिस तरीके से एनिमेशन बनाते थे उससे वो लोग स्टोरी टेलिंग डिपेक्ट करते थे। हाँ, स्टोरी टेलिंग में भी एनिमेशन यूज होते हैं लेकिन वो लोग जो बनाते थे वो एक एनिमेशन रियल लाइफ पिक्चर और स्टोरी टेलिंग का एक कॉम्बिनेशन था, इसलिए हिस्टोरियंस उस पहले समय को कंसिडर नहीं करते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर मैं और बोला तो बहुत समय चला जाएगा, मतलब ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो नहीं पॉडकास्ट अच्छा लगा सो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगे कि मैंने कोई फैक्ट गलत बोला है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए।
थैंक यू।